फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं टीच ओनली 99 टेक्निकल हेल्प। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बैकलिंक कैसे बनाते हैं, बैकलिंक कितने प्रकार की होती है और कैसे बना सकते हैं, बैकलिंक बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। और अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो, आपको कुछ नॉलेज मिले इस वीडियो की वजह से, आपको ऐसा लगे कि नहीं कुछ सिखाया है हमें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मैं आपके सपोर्ट करता हूँ, आप मेरा सपोर्ट कर दीजिए। बस इसी तरह से एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए हम ब्लॉगिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बैकलिंक आखिर होती क्या है। तो फ्रेंड्स, बैकलिंक ये होती है कि जैसे आपके कोई ब्लॉग या वेबसाइट है तो आप दूसरे की वेबसाइट पर जाकर कमेंट करते हैं, कमेंट पर अपना लिंक लगाएंगे अपने होम पेज का या आपके पोस्ट का, और या फिर गेस्ट पोस्टिंग करेंगे। गेस्ट पोस्टिंग में ये होता है कि आप किसी दूसरे की वेबसाइट के ऑथर से या फाउंडर से कॉन्टैक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट के लिए पोस्ट लिखूंगा, बस उसमें मुझे मेरी वेबसाइट का लिंक ऐड करना चाहिए। तो ये होता है बैकलिंक बनाना, मतलब आपकी वेबसाइट पर दूसरी वेबसाइट से ट्रैफिक आएगा। और इससे फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि आपको ट्रैफिक मिलता है, आपकी वेबसाइट की इज्जत बढ़ती है। हाँ, इज्जत ही बोल सकते हैं, क्योंकि नाम बढ़ता है गूगल की नज़रों पे, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ जाती है अगर हाई DAPA वाली वेबसाइट से आप बैकलिंक बनाते हैं। तो बैकलिंक तो ये हो गई। दूसरी चीज़, बैकलिंक क्यों ज़रूरी है, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि बैकलिंक क्यों ज़रूरी है। बैकलिंक वैसे तो आप कहें तो ज़रूरी नहीं भी है, आपकी मर्ज़ी, पर बैकलिंक अगर आप रैंक करना चाहते हैं, गूगल के फर्स्ट पेज पर आना चाहते हैं, अधिक से अधिक ट्रैफिक पाना चाहते हैं, तो आपको बैकलिंक ज़रूर से ज़रूर बनाना पड़ेगा। नहीं तो आपका पोस्ट और आर्टिकल नीचे के नीचे दबे पड़े रह जाएंगे, और जिसका बैकलिंक हाई DAPA वाली वेबसाइट होंगी उनका आर्टिकल तुमसे ऊपर आ जाएंगे, ऐसा होता है। तो अभी यहाँ पर हाई DAPA का मतलब यही होता है कि आपको जब नई नई वेबसाइट आप लोग क्रिएट करते हैं तो बैकलिंक अगर आपने नहीं बनाई है तो आप अपना बैकलिंक चेक, अभी मैं बताऊंगा आप लोग कैसे अपना हाई DAPA कैसे चेक कर सकते हैं, स्पैम स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं। तो न्यू वेबसाइट का स्पैम DAPA 1-2 इस तरह रहता है, 1-2% ही, तो इसे इंक्रीज करना पड़ता है। जिस वेबसाइट का 90+80 जिस तरह उनका मतलब 90-90 के आसपास जिनका DAPA होता है, उन वेबसाइट को बीट करना बहुत ही मुश्किल है। वो आपने बहुत लंबा आर्टिकल लिखा होगा, वो छोटा सा आर्टिकल लिख देंगे, आपकी वेबसाइट से ऊपर आ जाएंगे। तो अगर आप लोग भी बैकलिंक बनाते हैं, थोड़ी बहुत उनसे बैकलिंक अगर आपको मिल रहा है तो आपकी वेबसाइट की भी इज्जत बढ़ेगी, नाम होगा गूगल पे, और उसका भी DAPA इंक्रीज होगा, जो कि बैकलिंक से ही होता है। तो ये भी पता चल गया आपको। अब बहुत सारे अब बात आती है बैकलिंक कितने प्रकार की होती है। तो देखो, बैकलिंक यार दो प्रकार की होती है ज़्यादातर, और ये डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक। तो अब इन दोनों में से यूजफुल और हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी कौन सी है, तो मैं कहूँगा कि डू फॉलो बैकलिंक आपके लिए बेस्ट रहेगी। डू फॉलो बैकलिंक आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई खर्चा भी नहीं होता, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग पर बहुत सारी वेबसाइटें आपसे पैसे भी लेती हैं, आपको उन्हें पे करना पड़ेगा, तब वो आपके गेस्ट पोस्ट करेंगी, आपका लिंक आर्टिकल लगाएंगी। तो इसलिए डू फॉलो बैकलिंक बनाइए। डू फॉलो बैकलिंक एकदम फ्री होता है, आपको बस दूसरे वेबसाइट पर जाकर कमेंट करना होता है। आप कमेंट के तरीके भी मैं प्रैक्टिकल करके सबको दिखाऊंगा, तो आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, स्किप मत कीजिए, सब कुछ सुन लीजिए। तो मैं अभी सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, क्योंकि बाइकलिंग बनाने के तरीके भी बहुत सारे हैं, क्योंकि टेक्स्ट पर हमें लिंक भी ऐड करने होते हैं, कुछ को तो डायरेक्ट जाके URL भी पेस्ट कर देते हैं, तो जिसका कोई फायदा नहीं है। तो अब इतना काफ़ी हो, शायद मैंने जानकारी दे दी है, अभी मैं सीधा कुछ अब बाकी जो बातें आएंगी तो वो मैं करते करते आपको बताते जाऊँगा। तो देखिए, चलिए मैं एक वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ जहाँ से मैं आपको बैकलिंक बनाकर दिखाऊंगा, और फिर आपको बताता हूँ कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बैकलिंक मैं ये वेबसाइट पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कितने सारे कमेंट, यहाँ पर ये सब बैकलिंक के लिए कमेंट बनाए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, मुझे नहीं पता किसकी वेबसाइट है, पर किसी की भी हो, हमें बैकलिंक बनाना है, आपको यही करना। देखिए, इन सब लोगों ने बैकलिंक बनाई है। अभी आप सोच रहे होंगे कि बैकलिंक कहाँ है इन पर, तो जैसे ही आप इसे टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए किसी की वेबसाइट ओपन हो रही है, शायद इस वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए कोई बात नहीं, दूसरा कमेंट हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, इन सब जितने भी नाम लिखी वेबसाइट ओपन हुई, वो वाली शायद पुराने, बहुत पुराने कमेंट हो। तो देख सकते हैं आप लोग इस तरह से बैकलिंक लिया जा रहा है, तो आप लोग भी इस तरह से बैकलिंक, इसी को बैकलिंक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया इस तरह, देखिए इन पर क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और दूसरा, एक तो यहां नाम पर क्लिक करके पहुंचेंगे, और दूसरा यहां इन टेक्स्ट पर भी हम लिंक लगा सकते हैं, जैसे टेक्स्ट पर अभी इन पर नहीं लगा हुआ है। ये दोनों चीज़ मैं आपको करके बताऊंगा। तो हम नीचे चलते हैं, कमेंट बॉक्स से ढूंढते हैं कहाँ इस पर कमेंट बॉक्स। तो देखिए, ये रहा कमेंट बॉक्स, यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, आपको इस आर्टिकल की तारीफ करनी पड़ेगी, तब कुछ भी कमेंट का तो मतलब यही होता है। और या तो आपको अगर ये आर्टिकल पसंद नहीं आया या तो कुछ, पर हमें अगर बैकलिंक बनानी है तो पसंद आए या ना आए, हमें बैकलिंक बनानी है तो तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइटों पर वो अप्रूवल, आपने अगर आर्टिकल की बुराई की तो शायद उन्होंने वो आपका ये लिंक, मतलब सॉरी, कमेंट आपका डिलीट कर दिया ऑथर ने। तो इसलिए हमें तो तारीफ़ करनी है, क्योंकि हमें बैकलिंक बनाना है, ताकि हमारा कमेंट डिलीट ना किया जाए और हमारा बैकलिंक बना रहे। तो इसलिए, तो यहाँ पर आपको, हाँ, अब जैसे कि मैंने बताया बैकलिंक बनाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वो बातें ये हैं कि आपको जिस भी वेबसाइट से आप बैकलिंक बनाने वाले हैं उसका URL, पहले आपको URL कॉपी करना है, होम यहाँ से URL कॉपी कर लेना है, और गूगल पर आ जाना है, यहाँ पर लिखना है DAPA चेकर। गूगल पर आने के बाद DAPA चेकर लिखेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट आएगी, वेबसाइट SEOchecker.com। तो इस पर आपको आ जाना है, ठीक।
जिस भी वेबसाइट से पहले बैकलिंक बनाने वाले उसका सबसे पहले ये काम जरूर कर लीजिएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा ये क्यों करना है। तो यहाँ पर आपको ये पेस्ट कर देना है और हम ये पीछे का आर्टिकल का यूआरएल हटा देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ होम पेज का यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना है। देखिए अब यहाँ पर इस कैप्चा में टिक कर देना है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अभी आप लोग देखिए ये मैंने क्यों किया है, अभी आपको बता दूंगा। मैं यहाँ से चेक SEO का चेक पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा इस वेबसाइट का DA कितना है, PA कितना है और ख़ासकर जो चीज़ के लिए मैंने ये किया है इसका स्पैम स्कोर कितना है। तो देखिए इसका DA है 28, PA है 41। तो इस तरह आप अपनी वेबसाइट का भी चेक कर सकते हैं। URL आपको होम पेज का डालना है, कैप्चा पे टिक करना है और इसके बाद चेक पर क्लिक कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी वेबसाइट का DA का मतलब डोमेन अथॉरिटी और PA का मतलब पेज अथॉरिटी तो ये कितना है आप ये पता कर सकते हैं। तो इसका वेबसाइट चलिए काफ़ी ठीक ठाक ही है, यहाँ से हम बैकलिंक ले सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है, ये स्पैम स्कोर ये जरूर आपको देखना है कि यस यस जो दो बार लिखा है ना इसको आपको चेक कर लेना। अगर यहाँ पर ये रेज है, मतलब रेज वैसे जल्दी होता नहीं है क्योंकि जिसका स्पैम स्कोर ज़्यादा होगा मतलब जिस वेबसाइट ने कुछ तो स्पैमिंग किया है, यहाँ से बैकलिंक लेना आपकी वेबसाइट के लिए बहुत ही बेकार रहेगा, आपकी वेबसाइट का भी स्पैम स्कोर बढ़ सकता है। इसलिए स्पैमी वेबसाइट से बैकलिंक मत लेना कभी भी। तो ये जरूर चेक कर लेना अगर यहाँ पर रेज हो तो, क्योंकि बहुत से लोग पूछेंगे कितना स्पैम स्कोर चल जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा यहाँ पर अगर रेज नीले की जगह रेज है लाल है तो बैकलिंक ना बनाएं। तो चलिए मैंने इसका बैकलिंक चेक कर लिया, अब हम मतलब इसका ये सही है तो हम यहाँ से बैकलिंक बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें चलिए थोड़ा सा यहाँ पर तारीफ कर देते हैं। मैंने लिख दिया वेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू फॉर शेयरिंग, इतना कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर ये मैंने कमेंट लिख दिया। अब यहाँ पर आपको अपना नाम देना पड़ेगा, सौरभ कश्यप कर दिया मैंने, ईमेल आईडी डाल दी और वेबसाइट का ये होम पेज का मैंने URL डाल दिया। अब दूसरी बात ये आती है यहाँ पर कि बैकलिंक बनाए किस लिए, मतलब किस चीज़ के लिए। मतलब बहुत से लोग पूछेंगे कि हम होम पेज का URL डालें या किसी अपनी पोस्ट या आर्टिकल का। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, अगर आप होम पेज का बैकलिंक बनाएंगे तो आपका वेबसाइट रैंक होगी, ठीक है। अगर होम पेज का इससे आपका DA बढ़ेगा, डोमेन अथॉरिटी, तो इसलिए अगर डोमेन बढ़ाना वो अथॉरिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इससे आपकी वेबसाइट रैंक होगी। और अगर URL किसी पेज का पोस्ट का आर्टिकल का बैकलिंक बनाते हैं उससे तो इससे आपका PA बढ़ेगा, मतलब पेज अथॉरिटी, और आपका पेज रैंक होगा, समझ रहे हो। मतलब DA बढ़ाओगे तो आपका वेबसाइट पूरी रैंक होगी और पेज बढ़ाओगे तो सिर्फ आपको वो पेज रैंक होगा, उसी पेज से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी। तो दोनों चीज़ से मैं आपकी मर्जी है, तो मैं तो कहूँगा कुछ दोनों कीजिए, आप होम पेज भी कीजिए URL भी कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर होम पेज डाल दिया। अब यहाँ पर जैसे मैंने अभी एक क्लिक करके दिखाया था नाम पर, जो नाम जैसे मैंने ये नाम डाला कमेंट पर, ये नाम शो होगा और ये मेरा कमेंट शो होगा, बाकी कुछ शो नहीं होगा, ईमेल नहीं होगी और ना ही ये मेरा URL शो होगा। तो देखिए नाम पर कोई भी मेरे क्लिक करेगा तो वो मेरा सीधा होम पेज पर जाएगा। प्लस अगर मैं यहाँ पर लिंक ऐड कर दूँ कमेंट पर तो मेरे पेज का भी बैकलिंक बन जाएगा, अगर उस पर कोई क्लिक करेगा तो वो सीधा मेरे उस पर जाएगा, सॉरी क्या कहते हैं, मेरे पेज पर जाएगा। तो इसलिए चलिए मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ एंड और यहाँ पर कर देता हूँ चेकआउट। चेकआउट करने के बाद यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ अपने पेज का लिंक, जिस पेज के लिए आपको बैकलिंक बनाना हो, जिसको आप रैंक कराना चाहते हो। तो मैं बताता हूँ ये आपको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर मुझे अपने पेज का उस पोस्ट का आर्टिकल का लिंक लगाना है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर अपने पेज का लिंक पेस्ट कर देते हैं जो कि बेकार है, यूजलेस है और ये यूजलेस होता है, वो काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पर लिंक लगाने का ये तरीका है, देखिए ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ये कोड एक आता है, कोड मैंने डाला, कोड पर फिर मैंने अपना लिंक डाला और लिंक के आगे ये आपका की वो हो जाएगा आपका टाइटल, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे करते हैं, ये कोड आपको कहाँ से मिलेगा और इस कोड का यूज कैसे करना है, तो इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बता दिया, बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो इसका उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगा और प्लस आपको आई बटन पर भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिए, हाउ टू ऐड लिंक इन कमेंट ब्लॉगर कमेंट बॉक्स, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कमेंट पर लिंक कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये देखने के बाद ये सब कुछ मैंने भर दिया है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ पर इस कैप्चा पर मैं जे क्लिक कर दिया हूँ, अभी आप वीडियो और देखिए अभी, क्योंकि मैं blogspot.com वाली वेबसाइट पर भी कमेंट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से मैंने इस पोस्ट कमेंट को पोस्ट कर दिया है, अभी आपको दूसरे तरीका बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी वेबसाइटों पर ये नहीं होते, जो blogspot.com पर बनी होंगी उन पर ये नहीं होगा, नाम ईमेल और ये। अब देखते हैं हमारा कमेंट पहुंचा है या नहीं, क्योंकि हो सकता है वेबसाइट के ऑथर ने अभी अप्रूवल वो लगा के रखा हो। तो देखिए ये देख सकते हैं आप लोग, मेरा कमेंट यहाँ पर इस वेबसाइट पर अप्रूव हो चुका है तुरंत, यानी कि यहाँ पर कोई भी रोक नहीं लगी है, कोई भी कमेंट करेगा उसे अप्रूवल मिल जाएगा। तो देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल जो मैंने अभी कमेंट किया है। तो पहला मैं अगर नाम पर क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट के होम पेज पर पहुँच जाएगा, कोई भी इस पर अगर क्लिक करता है तो देखिए ये वेबसाइट ब्लॉग के होम पेज पर आ गया मैं, ठीक है। ये मेरा होम पेज है, आप लोग देख सकते हैं ये होम पेज है। अब अगर यहाँ से मैं बैक करता हूँ और जो मैंने यहाँ पर टाइप इस पर लिंक लगाया था, अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे इस ये फ्री कीवर्ड रिसर्च कैसे करें इस पर मैंने आर्टिकल लिखा है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो देखिए ये मेरे आर्टिकल पर आ गया है, आप लोग देख सकते हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, इसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी है मैंने। और ये देखिए तो आप लोग देख सकते हैं एक कमेंट से दोनों मेरे कमेंट लग चुके हैं, होम पेज का भी
और आर्टिकल का भी। तो एक तरीका ये हो गया। अब मैं दूसरा तरीका ये दिखाता हूँ। जैसे ये blogpost.com वाली वेबसाइट है, इसका भी DAPA आपको पहले चेक कर लेना। जैसे मैंने पहले बताया कि हर वेबसाइट का पहले आपको DAPA और सबसे खास बात आपको स्पैम स्कोर चेक करना है। तो जितना ज़्यादा DAPA हो उतना आपके लिए अच्छा है और स्पैम स्कोर जितना कम हो उतना अच्छा है। तो जैसे ये देख सकते हैं इस तरह का ये पोस्ट है, इसके नीचे ये कमेंट है। ये blogspot.com ब्लॉगर पर वेबसाइट है और ये फ्री वाला टेम्पलेट है। तो यहाँ पर आपको नेम, ईमेल और वेबसाइट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप एक ही चीज़ का बैकलिंक बना सकते हैं इनसे, या तो होम पेज का बना लीजिए या तो फिर आप अपने आर्टिकल का। तो फिलहाल मैं आर्टिकल का ही बनाता हूँ। तो इस पर भी, इन पर कमेंट करने का तो खास, इस पर अगर आप blogger.com वाली वेबसाइटों से आप कमेंट बैकलिंक मतलब बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यही आपके लिए बैकलिंक बनाएगी। और मैंने तो जी देखिए मैं इस पर सेव कर देता हूँ, नाइस पोस्ट। देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया है नाइस पोस्ट, ये मेरा कमेंट हो गया और ये मेरा बाइकलिंग के लिए मेरा होम पेज। अब यहाँ से मैं पब्लिश पर क्लिक कर देता हूँ। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये अभी पब्लिश हो रहा है। हाँ तो देखिए पब्लिश हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ से, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि blogspot.com वाली वेबसाइटों से आप फिर बैकलिंक नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये देखिए यहाँ पर भी ये लिंक लग चुका है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं क्योंकि एक और वो दूसरा तरीका है, कुछ ऐसी वेबसाइट है, दो वेबसाइट का तरीका तो मैंने बता दिया कि किस किस तरह से बनती हैं। अब तीसरी वेबसाइट वो होती हैं जिन पर आपको लॉगिन करना होता है, आप उन पर अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद उन वेबसाइट पर आपको डायरेक्ट URL पेस्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है, या तो फिर कुछ टेक्स्ट लिखिए, इमेज अपलोड कीजिए, फिर अपना बाइकलिंक के लिए URL लगा दीजिए। तो उन वेबसाइट जो URL सबमिशन वाली वेबसाइट होती हैं उनकी वीडियो मैं लाने वाला हूँ एक एक करके। कई सारी वेबसाइट हैं तो हर एक वीडियो पर एक वेबसाइट को मैं कवर करूँगा। बहुत ही ज़्यादा DAPA है उन वेबसाइट का और वहाँ से आप बहुत अच्छा ट्रैफिक पा सकते हैं, अपनी डोमेन अथॉरिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आपको ये जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर कोई भी डाउट अभी हो आपका तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं हो सकेगा वैसे रिप्लाई में सबका करता हूँ, आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।